हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलस में एंटी डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एंटी के बारे में पता होना चाहिए। तो जिस तरह एक क्लॉकवाइज रोटेशन होती है इस तरह, उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी इसके उलट। ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उस वायरस को ढूंढ कर रिमूव करने के लिए एंटी वायरस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि उस चीज़ के उलट। तो एंटी यानी कि उस चीज़ के उलट। अब बात आती है डेरिवेटिव की। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया, तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, या आप इस तरह कह लें कि वो चीज़ डी ओवर डी एक्स बन जाएगी। अब जब दोनों को मिला के पढ़े एंटी डेरिवेटिव, तो वो क्या होगा? डेरिवेटिव का मतलब किस चीज़ का डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव का मतलब उस डेरिवेटिव से दोबारा वो फंक्शन बनाना। यानी कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स है तो इससे दोबारा एफ ऑफ एक्स बनाना, इसको हम एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। एंटी डेरिवेटिव, अगर हम इस एफ डैश ऑफ एक्स को लेट कर लें कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, सही। अब हम लेट कर लें कि ये चीज़ इसके इक्वल है, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल है। अब मिसाल के तौर पे कि अगर हमारे पास 2 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद, और इसका आंसर 4 आ रहा है, तो 4 कैसे आ रहा है? यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ हुआ है जिसे हम कहते हैं प्लस। तो अब कोई ना कोई चीज़ तो है जो इस चीज़ से ये चीज़ में बना कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि डेरिवेटिव से दोबारा फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, डेरिवेटिव में से उसे एंटी डेरिवेटिव बना रहा है, तो वो ऑपरेटर इंटेग्रल होगा, सही। और यहाँ पर साथ डी एक्स आएगा और ये इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है प्लस सी। तो ये हमारे पास आया एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये चीज़ हमें बुक्स में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया डी एक्स, तो यहाँ से ऊपर से डेरिवेटिव ख़त्म हो गया, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ गया, सही। यहाँ पे जो ये वाला ऑपरेटर यूज़ हुआ है इसको हम इंटेग्रल कहते हैं। ये जो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे यूज़ हुआ है इसको इंटीग्रैंड कहते हैं, इसको हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव, इसको हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? ये जो हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने का प्रोसेस इंटीग्रेशन। द प्रोसेस टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो एक्स यूज हुआ है इसको हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट हम थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम, एक थ्योरम है वो कहता है कि अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसके दो एंटी डेरिवेटिव्स हैं, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। तो अगर हम जी ऑफ एक्स में से एच ऑफ एक्स को माइनस करें, यानी कि एक एंटी डेरिवेटिव में से दूसरे एंटी डेरिवेटिव को माइनस करें, तो आंसर कॉन्स्टेंट नंबर आएगा। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन, पहले आप ये जान लें कि एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 था, ठीक है। इसका हमने डेरिवेटिव लिया, यानी कि ये आया एफ ऑफ एक्स था, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये एफ डैश ऑफ एक्स आया 2। जब हम इससे दोबारा ये चीज़ बनाना चाहें तो हम क्या यूज़ करेंगे? ये वाला, यानी कि ये हम पढ़ के आए हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये एंटी डेरिवेटिव, यानी कि ये चीज़ हम लेके आना चाहते हैं, तो हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो इसकी जगह पर हम 2 रख देंगे डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने का रूल होता है, वो हम नेक्स्ट फार्मूलाज भी देखेंगे। तो ये आया 2x प्लस ये c। अब c की कीमत यहाँ पे 3 होगी, अगर c की कीमत 3 हो गई 2x प्लस 3, तो हमारे पास ये वापस चीज़ आ गई। अब c की कीमत अगर 2 हुई तो 2x प्लस 2, अगर c की कीमत 1 हुई तो 2x प्लस 1, अगर c की कीमत 12 हुई तो 2x प्लस 12। तो c की कीमत कुछ भी हो सकती है, सही है। अब ये हमारे पास जी ऑफ एक्स आया, ये हमारे पास एच ओ फैक्स आया, ये हमारे पास आई ओ फैक्स आया, ये हमारे पास जी ओ फैक्स आया, जो मर्जी इनको नाम दे दें, और फिर इनमें से कोई दो एंटी डेरिवेटिव्स को उठाएं, जैसे ये
दो एंटी डेरिवेटिव से, कोई से दो एंटी डेरिवेटिव उठाए और उनको माइनस करें तो आंसर कॉन्स्टेंट आएगा। अगर इसमें से इसको माइनस करें, देखें 2x + 3 - 2x - 2, तो ये 2x + 3 - 2x + 2, तो ये कैंसिल आउट होकर = 5, यानी कि एक कॉन्स्टेंट नंबर ही बचेगा। ये तो चीज़ें आपस में कैंसिल आउट होंगी और इनको प्लस इनको माइनस करें तो हमेशा कॉन्स्टेंट नंबर ही आएगा, तो ये थ्योरम नंबर 1 कहता है। थ्योरम नंबर टू कहता है कि एक फंक्शन है तो और उसकी हमने इंटीग्रेशन लिया और बाद में डेरिवेटिव लिया है, तो उसका आंसर दोबारा वो फंक्शन ही आता है। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ के आए कि f(x) का हम पर इंटीग्रल अप्लाई करें तो इसका आंसर f(x) आता है, यानी कि इस सारी चीज़ की जगह हम f(x) लिख सकते हैं। तो d/dx किसके इक्वल आया, f(x) के, ठीक है। तो ये f(x). अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि f'(x) किसके इक्वल है, f'(x) f(x) के इक्वल है, यानी कि ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ f'(x) है, तो हम इसको लिख सकते हैं f(x). तो f(x) इज इक्वल टू f(x), हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप इस f(x) की जगह लिख सकते हैं f'(x), तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम थ्योरम नंबर 3 देखेंगे। थ्योरम नंबर तीन कहता है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर अगर हम इंटीग्रल अप्लाई करें तो आंसर ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखनी हो कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि इंटीग्रल साइन वाई और एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, अगर हमने इसका आंसर फाइंड करना है तो ये आएगा साइन वाई और इंटीग्रल एक्स डी एक्स, सही है। और साइन वाई वैसे ही रहेगा और इसकी अगर हम इंटीग्रेशन इंटीग्रल फाइंड करें तो ये आएगा x^2/2+c। तो ये चीज़ आई। अब आप कहेंगे कि मैंने साइन वाई को बाहर क्यों निकाला, तो ये चीज़ देखते हैं, चेंजिंग किस में आ रही है, x के रिस्पेक्ट चेंजिंग आ रही है, तो ये चीज़ इसके रिस्पेक्ट चेंज हो रही है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, चेंजिंग इस लिहाज से होती है, ये एक कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्स्टेंट बाहर आ गई, यहाँ पर ये चीज़ कॉन्स्टेंट है, तो यानी कि कॉन्स्टेंट को हम बाहर लेके आ सकते हैं। ये एक आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी। नेक्स्ट थ्योरम, ये हाई लेवल, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप इसको सोचना चाहें डेरिवेटिव के हिसाब से भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है कि अगर हम डेरिवेटिव लें d/dx साइन वाई तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। वो कैसे, क्योंकि डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं लेकिन ये चीज़ y के रिस्पेक्ट है, तो ये एक चीज़ कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो इस पर जितना डिस्कस करना चाहें आप कर सकते हैं, बहुत ही अहम चीज़ और बहुत ही मज़े की चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और थ्योरम आता है कि f(x) + -g(x) आए हमारे पास और इसका d(x) आए, तो ये दोनों पे अलग-अलग अप्लाई हो जाता है। अब इसके बजाय हम फार्मूलाज देख लेते हैं, तो वो फार्मूलाज मैक्सिमम एक्सरसाइजेस में यूज़ होंगे। सबसे पहला फार्मूला आपने याद रखना है कि अगर एक अलजेब्रिक फंक्शन आए और उसके ऊपर पावर एक इंटीजर आए d(x), तो उसके लिए हम x पावर में एक प्लस कर देंगे और जो पावर होगी उसी को डिवाइड कर देंगे और प्लस c। इसकी अगर आपने एग्जांपल देखनी हो तो हम एग्जांपल ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट नंबर a आ गया या c कह लें, अगर हमारे पास कोई नंबर c आ गया c(dx), तो हम लिख सकते हैं c(x)^0, क्योंकि x^0 1 होता है d(x). तो थ्योरम पढ़ के आए हम कि कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया x^0 dx, तो सी का सी वैसे ही पावर में एक प्लस हुआ, 0 + 1 1 और 1 से डिवाइड प्लस सी, यानी कि हमारे पास आंसर c(x) + c आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक और एग्जांपल। मिसाल के तौर पे आप 0 dx का डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं, इसका इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और अंदर रहा 1 dx, सही। तो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर जो भी आए 0 मल्टीप्लाई होके आंसर 0, ठीक है। तो 0 + c आंसर c भी आ सकता है, 0 भी, सही, आंसर c आएगा। अब हम ये जो फार्मूलाज पढ़ रहे हैं, यानी कि x^n तो dx,
तो ये सादा ये चीज़ नहीं लिखी होती, बल्कि इसके साथ इस चीज़ का डेरिवेटिव भी मौजूद है वन, ठीक है। अगर इस चीज़ का डेरिवेटिव भी मौजूद हो उस वक्त हम एक्स एन की पावर वन और ऐसे लिखेंगे। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास ए एक्स प्लस बी आ गया और इसकी पावर एन डी एक्स, तो अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव पहले हम फाइंड करेंगे, यानी कि ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव देखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव ए होगा, सही। तो यहाँ पे हमें ए चाहिए, तो ए के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ये चीज़ बाहर आ गई वन ओवर ए, और ये चीज़ फंक्शन और इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी कि ए डी एक्स। तो अब इसका आंसर आएगा, पावर में प्लस वन करें और वही चीज़ हम डिवाइड करें प्लस सी, तो इस तरीके से आंसर निकालते हैं। अब हम सिंपल इसी तरीके की चीज़ें लेके चलेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि उसका डेरिवेटिव भी आगे मौजूद होना चाहिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे चलते हैं, तो इसके साथ कुछ कंडीशंस भी आ जाती हैं कि n नॉट इक्वल टू माइनस वन की हो, क्योंकि अगर n माइनस वन के इक्वल हो गया, यानी कि माइनस वन के इक्वल हो गया n, ठीक है n, तो ये अगर हम प्लस वन भी करें और माइनस वन भी, यानी वन माइनस वन प्लस वन और माइनस वन प्लस वन, तो ये हमारे पास प्लस सी, तो ये हमारे पास बटे में ज़ीरो बन जाएगा, और बटे में ज़ीरो आ गया तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि एन जो है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स जी हो जाएगा, पावर नीचे आगे प्लस, तो इसकी इंटीग्रेशन एल एन एक्स प्लस सी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूलाज को देखेंगे। साइन एक्स की अगर हम इंटीग्रेशन देखें, साइन एक्स की, तो इसका आंसर माइनस कोज एक्स प्लस सी होता है। ये क्यों होता है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ फार्मूलाज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है। इस तरह कोज एक्स के अब देखें तो ये माइनस प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब ये माइनस साइन क्यों आता है, यहाँ पे प्लस साइन क्यों आता है, इसको हम डिस्कशन फिर कभी देखेंगे। इसके अलावा फार्मूलाज, अब हम सभी फार्मूलाज लिखते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का फार्मूला टेन एक्स प्लस सी होगा। इसके अलावा अब जल्दी में लिख लेते हैं फार्मूलाज को, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, साइन एक्स का माइनस कोज एक्स का साइन एक्स, और सेकेंड स्केयर एक्स का टेन एक्स, कोसेकेंड स्केयर एक्स का माइनस कोट एक्स, सेकेंड एक्स टेन एक्स का सेकेंड एक्स, और कोसेकेंड एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेकेंड। अगर आप देखें तो इनका डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ आएगी, और अगर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये चीज़ आएगी। तो ये हमारे पास फार्मूलेज हैं, तो ये देखें साइन एक्स का माइनस, ये इन जनरल फॉर्म्स भी लिखी हुई हैं, यानी कि साथ अगर ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कोई चीज़ आ जाए, तो आप इसको जितना मर्जी क्रिटिकल लेके जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिनियर है, आप क्वाड्रेटिक लेके जा सकते हैं, आप क्यूबिक लेके जा सकते हैं, यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, तो जिस तरह आपको मुनासिब लगे। तो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज आ गए हैं, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं। इसके बाद ये नेचुरल लॉग या एक्सपोनेंशियल वालों के फार्मूलाज हैं, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक वालों के फार्मूलाज हैं, और ये हमारे पास अगर बटे में आ जाए स्केयर रूट, यानी कि स्केयर वाली टर्म्स, तो उसके फार्मूलाज लिखे हुए हैं, और अगर ये वन की फॉर्म में आ जाए, एक वैल्यू वन हो जाए, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी पे हमारा बाय पार्ट्स बनता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एफ ऑफ एक्स है और डी जी ऑफ एक्स है, तो डी जी ऑफ एक्स की जगह जी डैश ऑफ एक्स आएगा, और दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो डेरिवेटिव होता है वो भी तो एक फंक्शन ही होता है, एक फंक्शन ही, तो ये यहाँ पे बाय पार्ट्स का यूज़ होगा, तो यहाँ से बाय पार्ट्स का फार्मूला निकलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर एक फंक्शन की पावर एन है और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो हम ये यूज़ करेंगे, सही। अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है और नीचे वो फंक्शन है, तो हम ऊपर जाके उसकी पावर माइनस करेंगे, और उस माइनस में प्लस वन और बटे में वही। अगर हमारे पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है और नीचे फंक्शन है, और फंक्शन में पावर वन है, यहाँ पे एन वन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन की पावर वन है, तो उसको हम नेचुरल लॉग में लिखेंगे। सेकंड एक्स का डेरिवेटिव हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये तो हम पीछे पढ़ के आए,
हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये तो हम पीछे पढ़ के आए, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर ये 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फार्मूलाज आते हैं, तो ये है कि अगर स्केयर बटे में स्केयर रूट आ जाए और स्केयर वाले आ जाए, एक्स स्केयर प्लस ए, एक्स स्केयर माइनस ए, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो वो हम देखेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन आता है, जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। तो ये देखा, आपको कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का असल फार्मूला होता है, असल फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये वाला है। इसको डिस्कवर किया था ब्रूक टेलर ने इन 1750 में। अब जो हमारी बुक्स में पढ़ाया जाता है वो ये फार्मूला है, जो कि सिंपल सादा सा करके लिख दिया गया है, लेकिन असल फार्मूला ये वाला था। आई लेट का रूल का यूज़ किया जाता है, आई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल लॉग वाले फंक्शन, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पे इस फार्मूला को लगाने के लिए एल आई ए टी ई यानी कि ली एट उसका यूज़ किया जाता है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको हम ड्राइव भी करेंगे, यानी कि इसका ये फार्मूला प्रूफ भी करेंगे हम, लेकिन इसके अलावा ये याद करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। नेक्स्ट इसके अलावा अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें, तो ये कुछ फार्मूलाज आ गए कि ये थ्योरम आ गई हमारी, सही जो हम पढ़ के आए थे। अब स्केयर रूट आ रहा और एक्स स्केयर माइनस ए, एक्स स्केयर प्लस ए, ए स्केयर माइनस एक्स, तो इसके लिए हम ये फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। अगर कुछ बुक्स में यहाँ पे डिवाइडेड बाय ए भी लिखा होता है या डिवाइडेड बाय टू भी लिखा होता है, तो वो अब देखें ना कि जो डिवाइडेड बाय, फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय ए, तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि बटा लिखा हो, तो उसके लिए हम माइनस एल एन ए लिख देंगे। तो ये कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट इस चीज़ में प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम इसको ख़त्म ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अब ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम डायरेक्ट, अगर हमारे पास ई की पावर एक्स, फ़र्ज़ किया कि ई की पावर एक्स और यहाँ पे आ गया, इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है एक्स प्लस वन, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, यानी कि एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, यानी कि हम डायरेक्ट ई की पावर एक्स और डॉट एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पर यूज़ होता है। और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट हम ये लिखेंगे, इसको भी हम डिराइव करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।